कई दशकों तक देश की सियासत की धुरी बने अयोध्या मामले का समाधान आखिरकार निकल गया है। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि मंदिर वही बनेगा। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया है, जबकि मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन दिए जाने की बात कही गई है। इस फैसले की हर तरफ चर्चा हो रही है, तो चलिए एक बार उन पर भी बात कर लेते हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है। बरसों से लंबित पड़े अयोध्या मामले को अंजाम तक पहुंचाने वाले 5 जजों की संवैधानिक पीठ की चर्चा हर ओर है, जिन्होंने 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई शुरू की और करीब 40 दिनों तक जिरह के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इतना ही नहीं, ज्यादा देरी किए बिना ही 1 महीने से पहले ही फैसला सबके सामने भी रख दिया। ऐतिहासिक फैसला सुनाने वालों की पीठ में सबसे पहला नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई का। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस पीठ की अगुवाई की। उन्होंने 3 अक्टूबर 2018 को बतौर मुख्य न्यायाधीश पदभार ग्रहण किया था और अब 17 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। 18 नवंबर 1954 को जन्मे जस्टिस रंजन गोगोई ने 1978 में बार काउंसिल ज्वाइन की थी। उन्होंने शुरुआत गुवाहाटी हाई कोर्ट से की। 2001 में गुवाहाटी हाई कोर्ट में जज भी बने। इसके बाद वह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बतौर जज 2010 में नियुक्त हुए। 2011 में वह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 23 अप्रैल 2012 को जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के जज बने। पीठ में दूसरा नाम है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे अब अगले CJI बनने जा रहे हैं। 1978 में उन्होंने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र को ज्वाइन किया था। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में लॉ की प्रैक्टिस की। 1998 में वरिष्ठ वकील भी बने। साल 2000 में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में बतौर एडिशनल जज पदभार ग्रहण किया। इसके बाद वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 2013 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज कमान संभाली। जस्टिस एस ए बोबडे 23 अप्रैल 2021 को रिटायर होंगे। तीसरा नाम जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज का पदभार संभाला था। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। वही बॉम्बे हाई कोर्ट में भी वह बतौर जज रह चुके हैं। बतौर जज नियुक्त होने से पहले वह देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। पीठ में चौथा नाम जस्टिस अशोक भूषण का है। उत्तर प्रदेश से आने वाले जस्टिस अशोक भूषण साल 1979 को यूपी बार काउंसिल का हिस्सा बने। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कई पदों पर काम किया और 2001 में बतौर जज नियुक्त हुए। 2014 में वह केरल हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए और 2015 में चीफ जस्टिस बने। 13 मई 2016 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्यभार संभाला था। वहीं इस पीठ में आखिरी नाम है जस्टिस अब्दुल नजीर का। अयोध्या मामले की बेंच में शामिल जस्टिस अब्दुल नजीर ने 1983 में वकालत की शुरुआत की। उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की, बाद में वहां बतौर एडिशनल जज और परमानेंट जज कार्य किया। 17 फरवरी 2017 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज कार्यभार संभाला। ये 5 जजों के नाम है जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला सुनाकर कई लोगों के बरसों का इंतजार खत्म कर दिया और अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली। डीवी लाइव की रिपोर्ट।